छोटे को देख मैंगो कट रहा है, चुपचाप मम्मी के पास आके बैठ गया है। रशु भाभी लाई है, नीचे चलो, नीचे मैं आपको नीचे मिलेगा, आप गंदा कर दोगे। चलो कुछ भी, जब आम रखा हो ना सामने जब आम इसके सामने हो ना, जो काम करवाना करवा लो। रशि ओवर देयर, ओवर देयर, इधर इधर बैठ, इधर बस कर, इतना मत तड़पा यार। नहीं, नहीं मम्मी नहीं देगी। ड्रामे बस मेरी जान। रशि पापा का तो मिल गया, आपका क्या है बेटा? आप भी मेरे को लग रहा है एसी के नीचे सीधा बैठे। मैंदो 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 मैंगो दे दो। Dad have come from Haridwar just now. रास्ते में उनको पता नहीं कौन से फार्म से आम मिल गए और फ्रूट्स मिल गए, तो पूरा नहीं चालू हो रहा था। मेरा मैंगो शेक निकाल दिया, अपने में और आम डाल दिए। ठीक है, देख अपने मैंगो शेक के लिए इसमें गुड़ डाल दिए, काजू बादाम किशमिश सब निकाल दिया अपने मैंगो शेक के लिए। मेरा सूखा एक्स्ट्रा मिर्च भी जा रहा है, एक्स्ट्रा मैंगो भी गया उसके अंदर। रात को भूख लग जाती है यार। तो भाई क्यों चाय पी ले प्लीज। रशु भाई, रशु क्या खा रहा भाई? पराठा विद मक्खन, यम्मी। नमो ला दो। एक्चुअली रसभरी का फेवरेट सॉन्ग है नमो नमो का, मूवी केदारनाथ। अब जैसे ही वो सॉन्ग चलता है मुझे सुशांत कितनी ज्यादा याद आती है ना, तो हम तो भूल ही नहीं पा रहे यार भाई को। जब से रशि छोटी थी ना, लाइक एक साल की, तब से नमो नमो सुनती है और नमो नमो सुन के ही सोती है, और हमें लगता है चलो अच्छा है यार भगवान का नाम ले रही है। जिम टाइम सुबह के 11 बजे जिम निपटा देते हैं, शाम को कुछ ना कुछ काम आ जाता है, जिम रह जाता है। आज करेंगे बैक, कल की थी लेग्स, पूरा शरीर दर्द हो रहा है, मतलब लेग्स दर्द हो रही है, चेस्ट और बाइसेप्स का अमेजिंग वर्कआउट हुआ था। आज मैंने फिश थोड़ी सी ऑर्डर कर दिया, गर्मियों में क्या है प्रेफर ईटिंग फिश देन ईटिंग चिकन। चिकन थोड़ा सा डाइजेशन में थोड़ा सा हार्ड होता है, गर्मी बहुत ज्यादा। आई डोंट थिंक आई कैन ईट चिकन राइट नाउ। बैक में हमेशा बोलता हूँ कि यार बैक के बेसिक बैक के दो मूवमेंट्स होते हैं, एक होते हैं पुलिंग मूवमेंट्स, एक होते हैं रोइंग मूवमेंट्स। सो आई चूज माई बैक वर्कआउट, अगर मैं 5 एक्सरसाइज करूँ तो इवेंटली मैं उसको पुलिंग और रोइंग में डिवाइड कर देता हूँ। सो वर्कआउट इज कम्प्लीट, बैक एंड ग्रैप्स एंड इट विल डेडलिफ्ट। क्या कर रहे हो भाई? खाना रेडी है? क्या देख रहे हो माँ बेटी? पापा का व्लॉग। ये मोटे वैसा नहीं हो गया, फिर हेरा फेरी वाला कि पीछे का दिख जाए। पापा का प्रोटीन शेक पिएगा? पोलाइटली कैसे बोलेंगे? प्लीज पापा, क्या बोल रही हो? पता नहीं क्या, लेकिन प्लीज पापा दे दो इसको दो। ये मुझे लगता है ये बड़े होके जिम ही करेगी मेरे साथ। मैडम की करमात, इसने मेरी ग्लूटामिन की टैबलेट्स बाल्टी में डाल दी। माउस लगाने आ रहा है। रश्य खूब आम दबाए इसने इस बारी। रश्य मुंह दिखा, एक बारी मुंह दिखा दो। लंच करने के बाद हमने सो गए, बहुत अच्छी नींद पूरी की, उसके बाद उठे चाय वाय पी। गलती से हमारे घर में जो राशन आया था वो गलत आ गया, जो पिछला राशन था प्लस ये राशन था दोनों मिला के आ गया, तो हम लोग बहुत चक्के, इतना महंगा कैसे। तो वी हैड अ गुड फैमिली मीटिंग एंड वी डिस्कस दैट हाउ शुड वी प्रोसीड, वी फॉर्म कपल ऑफ SOPs कि अगर इन केस ऐसी गलती होती तो नेक्स्ट टाइम कैसे उसको हैंडल करेंगे। नाउ आई एम ट्राइंग टू, अच्छा हाँ मैंने फिश ऑर्डर की थी, वो फिश आ चुकी है फाइनली। अब मैं थोड़ा सीरियस हो गया डाइट के लिए, सो आई ऑर्डर्ड माय फिश, ये फ्रेश टू होम से। मैं एक्चुअली गया, मैं ऑनलाइन मैंने डाउनलोड की, बिग बास्केट के ऐप में डाउनलोड करने वाला था, बट साथ में तो ये दिख गया ऑर्डर फ्रॉम दिस, एंड इसका देखते हैं अगर कैसा अच्छा फिश है तो उसी से मंगवा लिया करेंगे। फिश मेरे से यार फिले ही खा जाते हैं, बोनलेस ही खा जाते हैं, मैं बोन वाली फिश नहीं खा पाता। जब मैं IIT खड़गपुर में था तो वहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त बंगाली थे, वो उनको इतने चाव से खाते थे वो फिश कांटे वाली, बट मुझसे मेरी दांतों में फंस जाती, सो आई ऑलवेज प्रेफर। मैं सोचा कि मैं फिश दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर पड़ी, बट मैं सोचा बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होंगे, इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू शो इट। कई लोग पहन जाते हैं, मैं क्या करूँ बताओ, चप्पल ही नहीं है, क्या करूँ? ये जूते पहनते हैं भाई, तो
भूल ही गया मेरे इंस्टाग्राम वाले जूते। मेरी इंस्टाग्राम फैमिली और जो यूट्यूब पे जब भी देखती है उनको पता होगा इन जूतों का राज क्या है। इन जूतों पे मुझे इतना ट्रोल किया गया, इतना ट्रोल किया गया। तो हमारी छत पे पूरी टाइल लग चुकी है। मस्त रशि मजा आ रहा छत पे डालने में। ये पापा की चप्पल ही पहन के घूम रही है। अभी बढ़िया छत हो गई ना रशि, मजे आ गए। अब रशि साइकिल चला गया यहाँ पे बजे से, है ना। तो अभी यहाँ पे टाइल लग रही है भैया। वो जब पत्थर से वो धागा बांधते हो एक बार लगाओगे ना, अभी लगाओ मुझे बुला लेना। छत बड़ी लग रही है अब, पूरी बड़ी लग रही है। आप पहले ये छत हमें छोटी लग रही है, पूरा ऐसा बनेगा बड़ी बड़ी लग रही है। इधर लेवल कर दो उसको, लेवल लगा दो, फिर लगा दो। हाँ ये थोड़ा बताओ कि ये धागा पत्थर कैसे बांधते हो ये और क्यों बांधते हो। पहले अपना नाम तो बताओ। साहिल नाम इनका, एक्सप्लेन करेंगे जितने भी सिविल इंजीनियर देख रहे हैं ध्यान से देखिए। हाँ भैया ये लेवल लेने के लिए होता है ना, तो लेवल कहाँ से लिया आपने अभी इसका? ऊपर में आया ना, ये लेवल लिया आपने यहाँ से वहाँ। और जब मसाला लगाते हो तो उसमें इतना जगह छोड़ देते हो कि टाइल कितनी थिक है उतना छोड़ दूं मैं, और फिर ठोक देते हो उस पर लेवल लाने के लिए। तो ठोक बजा के कर दिया। देख रहे हैं इसमें दो अजम्पशंस हैं। दो अजम्पशंस ये हैं दैट द वेट ऑफ द थ्रेड इज डब्ल्यू, वेयर डब्ल्यू इज टेंडिंग टू जीरो, दैट मीन्स इट इज अ स्ट्रेट लाइन। दूसरा अजम्पशन ये है कि अर्थ इज फ्लैट। मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट धागा जा रहा है, अगर ये बहुत लंबा डिस्टेंस जैसे 3-4 किलोमीटर का लगा दिया तो अर्थ कर्व होती है, तो धागा कर्व हो जाएगा। ये मतलब इंजीनियर लोग समझ गए होंगे। और ऑल्सो थ्रेड का वेट जीरो, क्योंकि अगर थ्रेड का वेट होगा तो ये नीचे की ओर बेंड करेगा, जैसे पतंग का धागा होता है ना नीचे की ओर बेंड करता है। आज मैंने एक चीज़ और सोची कि इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स में फ़र्क क्या होता है। अब जैसे गाइस एग्जांपल के तौर पे हमारे बाथरूम का फ्लश खराब है, ये कह रही है प्लम्बर को बुला के ठीक करा लो। नॉन इंजीनियर, इंजीनियर का कह रहा है भाई बगल में बाल्टी पड़ी है पानी डाल दो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन। अब इंजीनियर सोचेगा प्लम्बर को मैं फ़ोन करूँ वो आएगा, अब गेट खोलूँगा ठीक करेगा, मेरी नींद खराब करेगा, वाई टेक सो मच ऑफ टेंशन। जब लगी है काम करके अपना पानी डाल दो, दो मिनट काम नहीं है, वी सेव टाइम। फिर तो इस बात पे मैं शर्त लगा सकता हूँ, सारे इंजीनियर यही करेंगे, वो बाल्टी से पानी डालेंगे लेकिन प्लम्बर को नहीं बुलाएंगे। शर्त लगा ले। इसका लेवल ले लिया, लेवल लेके पूरा निकाल दिया, अब धोगा बन रहा है, धोगा लगा के फिर इसको चिपका देंगे। रशु तुम भी सीख लो। कैसे कर रहे हैं? चलो। हाँ लग गए। मैं जा रहा हूँ सब्जी मंडी टमाटर लेने, क्योंकि मैं आज रात को अपनी फिश को तोड़ूंगा। मैंने जमानों बाद आज खुद की मील प्रेप की है। नाउ आई थिंक आई विल मेक इट अ रूटीन, जिम, मील प्रेप, गेटिंग बैक इन शेप। 5 फाइल निकाल दीजिए। कितना हो गया? जिम जाऊंगा, जिम दोबारा। सुबह दोबारा जाऊंगा घर पे जिम यार। आई हैव टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम। आई हैव डोंकी, कैसे कहते डोंकी? क्रो क्रो काउ और काउ। और रश्यू कैसे रोता है? पापा ने क्या मारा? कुद्दू। सो ये हमारे घर के होममेड अचार, ये भी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कच्चा मम्मी ने काट लिया, सुबह से लगी थी। मैं कहता मम्मी क्यों करती हो, बाजार से खा लेंगे, क्यों मेहनत करती हो? लेकिन माँ तो माँ कहती नहीं बेटा तुम लोग के लिए घर पे ताज़ा बनाऊंगी। अच्छा भी घर का ही लगता है। सो आई एम बैक इन द जिम, माय सेशन नंबर 2। अब हम करेंगे हैमस्ट्रिंग एंड ट्राइसेप्स। आज मैंने फर्स्ट टाइम लाइक जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऋतु को बुलाया हेल्प देने के लिए। व्हेन आई वाज डूइंग स्कल क्रशर ऋतु आई हल्का हेल्प किया, शी डिड अ गुड जॉब। ये क्या बना? ये भी आम का कुछ नया आइटम है ना? क्या ये मीठा चाह रही है? वो काट के रखे खट्टा वाला कब बनाओगी? क्या खा रहा है? आम का दीवाना। मैं बता नहीं सकता कितनी बढ़िया सब्जी बनाई मैंने। सालों बाद कुकिंग चालू की, मुझे अपना पुराना टाइम याद आ गया जब मैं कंपीट करता था, अपनी मील प्रेप खुद करता था। ऑन दैट नॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय कर दो। सी यू टुमारो, सी यू टुमारो, टेक केयर भाई, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए।